डबरा कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आ रहे किसानों के साथ आड़त और मल्हार के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसकी शिकायत लेकर किसान आंदोलन की समर्थक और किसान नेत्री कृष्णा देवी ने मंडी सचिव से शिकायत की। बता दें कि किसान नेत्री कृष्णा देवी ने बताया कि डबरा गल्ला मंडी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में शुमार है और ये क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर किसान यदि अपनी फसल बेचने मंडी में आते हैं तो उनकी डाक बोली ना लगाते हुए फसल को बिचौलियों के माध्यम से, जिन्हें अड़ातिया भी कहा जाता है, मजबूरन किसान को अपनी फसल को औने पौने दामों में उसी व्यापारी को बेचना पड़ता है। आड़त श्रीमान जी होती है, हम उनसे पैसे लेते हैं इसलिए उनको आड़त देना पड़ती है। बिना ब्याज के लेते हैं? नहीं, ब्याज से लेते हैं, अब उस टाइम समय पर नहीं होते इसलिए लेना भी पड़ते है। अवैध हो रहा है ना, तो सबके लिए हो रहा है। आपने इसकी शिकायत नहीं की? अभी किसी कोई सुनता भी नहीं है। क्या क्या देते हैं अधिकारी? बोले वो तो लगेगी, आड़त लगेगी और वो लगेगी, जो पैसा लगे वो भी उसका ब्याज लगेगा। सभी किसानों से ली जाती है? अभी से लेते हैं। आड़त तो सभी मंडी में जबरदस्त देनी पड़ती है, डाक ही नहीं होती, देनी पड़ेगी। कितनी आड़त लेते हैं? 3% लेते हैं, 3 रुपये सैकड़ा टोटल रकम पे। और ये मल्हार क्या होती है? मल्हार ये होती है, वो लोग बोलते हैं वहाँ हमने ट्रॉली देखी नहीं है, बोले ये माल आप गलत ले आए हैं, उसमें से आगे यहाँ आके किसी ट्रॉली पे 200 रुपए कम कर देते हैं किसी पे क्विंटल पे। मुझे कोई ये बताए कि ये टोटल 3% जो फसल का जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है? प्रशासन की तरफ से तो कोई इसका है ही नहीं सिस्टम कि आड़त ली जाए। मल्हार लगाई जाती, किसान को बोल दिया कि तुम्हारी धान का भाव जो है हम 3000 ले रहे हैं या 4000 ले रहे हैं, और बाद में जैसे ही कांटे पे ट्रॉली तुलने के लिए आती है तुरंत 100-150 रुपए ये कटा देते हैं, बोले धान में धान खराब है। 1500 ट्रॉली में कम से कम 3000 किसान आता है, 3000 किसान, इन लोगों को जूते निकल लेना चाहिए अपने। जो आड़त और मल्हार, इन पे जब तक ये जूते नहीं मारेंगे तब तक ये चीजें डबरा से तो खत्म होने वाली है नहीं। इस बारे में मैं बराबर लगभग 24 घंटे अनाउंसमेंट अपने उससे केंद्र से करवाता हूँ, चेकपोस्ट से, किसानों से निवेदन करता हूँ। इस प्रकार की यदि कोई व्यापारी उनके साथ में व्यवहार कर रहा है या ये काम कर रहे हैं तो उसकी शिकायत मुझे दर्ज करवाएं, उसमें मैं पूरा जो नियमानुसार है कार्रवाई करेंगे और उस इस प्रथा को बंद करें। आड़त श्रीमान जी होती है, हम उनसे पैसे लेते हैं इसलिए उनको आड़त देना पड़ती है। बिना ब्याज के लेते हैं? नहीं, ब्याज से लेते हैं, अब उस टाइम समय पर नहीं होते इसलिए लेना भी पड़ते हैं। अवैध हो रहा है ना, तो सबके लिए हो रहा है।